बहुत मुझे रहेगा तो पढ़ेगा नहीं रुकता रहेगा क्या उसमें भी देख रहे हैं कि इतना बच्ची पढ़ने के लिए तैयार। आज तो फिर हम बात करेंगे ना अधिकारियों के साथ, तो सारे अधिकारियों के साथ बात करके जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ वही पूछेंगे। हम सारा हुआ आने से हर चीज़ को जानकारी मिल जाती है, कोई चीज़ अभी भी पेंडिंग है या उनकी कोई नई समस्या है इसी को जानने के लिए तो हम घूमती रहे। उसमें भी देख रहे हैं कि इतना बच्ची पढ़ने के लिए तैयार। हमारा मकसद ही इस बार का है कि अलग अलग जिलों के विभिन्न जगहों पर जहाँ संभव जाए और वहाँ जा करके देख, हमने देखा है कि जिन जगहों पर पहले कितना काम किया गया, काम में कोई बाधा आ गई या काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर काम पूरा हो गया तो आगे और क्या होना चाहिए, इसी को देखने के लिए हम आए ही हैं। ताज देख लिए हम यहाँ पहले भी, आप लोगों को मालूम है यहाँ संतुष्ट हुए कि नहीं आप? नहीं, आप तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, ये तो जान रहे हैं जान करके, और कहे जो काम कहे हुए हैं वो काम ने तुरंत अधिकारियों को कह दिया कि भाई क्या देरी हो रहा और जल्दी से जल्दी करके, अब इसका रास्ता बनाना था तो वो अब रुका हुआ था। क्या देखी सर, जमीनी हकीकत क्या देखी सर? हाँ नहीं, वही तो है जमीनी हकीकत की बात तो कही वो सब तो कह ही रहे हैं सब, लेकिन एक तो जो गरीब गुरबा तबका है उसके लिए जो करना है। एक चीज़ कहा जाता है कि आप यात्रा तो करते हैं लेकिन पहले से चूँकि प्रस्तावित हो जाता है, सारे अधिकारी यहाँ आके गांव में सब ठीक ठाक कर देते हैं, बाकी गांव की स्थिति नहीं, सब जगह कर रहा है, एक जगह का मतलब ही नहीं, मतलब कहीं भी हो गया तो इनको हर जगह का देखना। तो आज तो फिर हम बात करेंगे ना अधिकारियों के साथ, तो सारे अधिकारियों के साथ बात करके जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ वही पूछेंगे और कहेंगे कि एक एक चीज़ को देख लें और तब रिपोर्ट करेंगे वहाँ। एकाध महीना डेढ़ महीना के बाद फिर सबका रिपोर्ट करके पूछेंगे कि क्या हुआ प्रॉब्लम। सर ठंड को लेकर भी काफी शिकायतें भी आई क्या सर? हमारे साथ जो भी हमारे अधिकारी लोग हैं एकाध, एक एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं ताकि कोई चीज़ को छोड़ना नहीं। अच्छा, ये राजनीति भी खूब हो रही है आपकी ठंड को लेकर, कई लोग बयान आ रहा है कि ठंड है, ठंड लग जाएगी, तो ये सबसे क्या लेना देना हमको? लोग चाह रहे हैं कि आप राज्य की यात्रा तो कर चुके हैं, देश की यात्रा करिए, विपक्ष को एकजुट कीजिए। अभी तो हम पहले सोचिए कि अपने क्षेत्र का जो हमको है, मैंने क्षेत्र का मतलब मेरा है कि मेरा अपना राज्य है, तो उसको एक बार देख लें तो मन होगा प्रगति क्या है और कहीं कोई चीज़ अभी भी पेंडिंग है या उनकी कोई नई समस्या है इसी को जानने के लिए तो हम घूमती रहे। वही तो अच्छा ना हुआ कि एक जगह पहले आए हुए ताजा करके देख लिए कि कुछ काम तो हो गया, उसके लिए खुश भी है, लेकिन और आगे जो चाहता है या मान लीजिए पहले को रास्ता निर्माण करने का था तब बीच में ही रुका रहा था, अच्छा ना हुआ। आने से हर चीज़ को जानकारी मिल जाती है तो पूरा होगा, तो ही देखेंगे काय देर हुआ। विकास की भूख लोगों में जगी है, आपने विकास का भूख जगा दिया है। बच्चे जो प्राइमरी में है वो चाहते हैं हाई स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो, लोग चाहते हैं कि रोजगार हमको बनेगा बने, हम यही तो इसी के लिए तो आए ही ना। देखिए हम लोग की बातें और पढ़ना सब चाहता है, ठीक है ना, बात है सब पढ़ रहा और सब प्रसन्नता है, तो देखते हुए उसको और आगे पढ़ाने के लिए, और जो मान लीजिए पढ़ भी लिया, मैट्रिक भी पास किया, तो उसको जो पैसा देना है अगर उसको अभी तक नहीं मिला तो ही कह दिया क्यों नहीं मिला, जल्दी दिलवाइए। इंटर पास कर गया तो खुशी की ना बात है देख करके, और आगे चाहता है कि अधिक से अधिक हम लोग पढ़ पाए, ये बड़ा अच्छा है। बापू की गीत भी गाया बच्ची ने, इतना अच्छा, देखिए कितना खुशी हो रही है कि बापू के बारे में सब, गांधी जी के बारे में सबको हम कह दिए कि बापू भी कहा करो, तो ये कितना खुशी की बात है और कितना बढ़िया सब गा रही थी। सर आपने कई यात्रा की, इस बार की यात्रा आपके पास यात्रा से किस महीने में अलग है? अब बोल रहे तो हम होता ही अलग अलग समय में तो अलग अलग काम के लिए जाते ही ना, तो इस बार कई साल न हो गया तो हम देखना चाहते हैं प्रोग्रेस को और काम करने के लिए कहा गया कितना हद तक हुआ और कहाँ कहाँ क्या प्रावधान है। देखिए
सब सबको कह जैसे हैं और साथ साथ अधिकारियों को कह दे रहे हैं कि इसको देखिए ताकि हम।